सो हे गाइस, अनबॉक्सिंग फॉर अ केक कॉर्नर वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस यहां पे मेरे पास है आईकू 7 और गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईकू फोन्स की गेमिंग फीचर्स की, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग फीचर्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई जो आईकू के डिवाइस होते हैं वो मेन गेमिंग के लिए बने होते हैं, चाहे वो आईकू Z3 हो या आईकू 7 लीजेंड हो, कहीं ना कहीं गेमिंग पे ही फोकस होता है ब्रांड का। तो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग फीचर्स की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो चलो यार फटाफट से इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आईकू 7 की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, मतलब चेकआउट कर लेना। अगर आईकू 7 से रिलेटेड कोई और वीडियो देखनी है तो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी लिंक है तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। इस वीडियो पे अपन 500 लाइक्स का एम रखते हैं, तो एक छोटा सा लाइक कर देना भाई अपनी तरफ से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, सपोर्ट दिखाओ। और अब अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है आईकू 7, रिसेंटली मैंने परचेस किया है। इससे पहले मैं आईकू Z3 को भी चैनल पे रिव्यू कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आईकू के जितने भी डिवाइस है, आईकू Z3, आईकू Z5, आईकू 3, आईकू 7, आईकू 7 लीजेंड और इसके अलावा भी जिसका भी मैं नाम भूल रहा हूँ, वो सभी फोन्स में ये फीचर्स चल जाएंगे जो मैं फीचर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मतलब प्रॉपर सारे फीचर चल जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च करना है गेम, ये आप देख सकते हो गेम सर्च किया मैंने, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अल्ट्रा गेम मोड, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर सिंपली ये जो अल्ट्रा गेम मोड है ये आपका बंद होगा, ऐसे मतलब ऑफ होगा, आप इसे ऑन कर लेना। सो गाइस इस अल्ट्रा गेम मोड में काफी सारे मतलब फीचर्स के बारे में बताया हुआ है, कुछ एक ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको अपन एक बार रीड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हमें ई स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है, इसमें चलते हैं। यहाँ पे हमें फीचर्स वगैरह बताए हुए हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमल डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइज कंट्रोल है, उसके बाद में ऑप्टिमाइज डिस्प्ले सेटिंग्स है, और यहाँ पे फ्रेम रेट्स एंड टेम्परेचर का दिया हुआ है। तो ये जो ई स्पोर्ट्स मोड है ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एक लेवल पे बढ़ा देगा। ये जो फ्रेम रेट्स है वो मेंटेन करेगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा, डिस्प्ले की सेटिंग्स को मेंटेन करेगा, जो कंट्रोल्स है वो बेटर करेगा, डिस्टर्बेंस को एकदम कम कर देगा। तो ये है ई-स्पोर्ट्स मोड। उसके बाद में यहाँ पे अपन चलते हैं, ये है ऑटो प्ले विद स्क्रीन ऑफ, ये आपको मैं गेम में बता दूंगा कैसे वर्क करता है। उसके बाद में यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, गेम डिस्प्ले इन्हेंसमेंट। उसके बाद में यहाँ पे आगे चलते हैं तो यहाँ पे मैं एक 4D वाइब्रेशन देखने को मिलता है, 4D गेम वाइब्रेशन। यहाँ पे सपोर्टेड गेम को ऑन कर देना है। यहाँ पे आपका जो भी गेम हो, पबजी हो या मतलब BGMI हो या फिर न्यू स्टेट वाला हो तो यहाँ पे ऑन कर देना सिंपली। उसके बाद में आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप नोटिफिकेशन को म्यूट करना चाहो गेम के टाइम पे तो ये आप इसको ऑन कर देना सिंपली, ये ऑफ होगा, ऑन कर देना। उसके बाद में म्यूट कॉल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, म्यूट कॉल नोटिफिकेशन। यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड कॉल को मतलब ऑन करना चाहो तो ऑन कर देना, या फिर रिजेक्ट कॉल करना चाहो अगर आप गेम खेल रहे हो और आपको कॉल रिजेक्ट करनी है तो ये सिंपली ऑन कर देना। यहाँ पे आप कुछ एक कॉल्स को मतलब फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि कुछ कॉन्टैक्ट्स आपको ऐड रखने हैं तो यहाँ पे वो कुछ एक कॉन्टैक्ट डाल देना, या फिर डिनाय ऑल कर देना, या फिर ऐसे ऑल कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ फेवरेट कॉन्टैक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐसे कस्टम कॉन्टैक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो, कोई भी कॉल हो उसे आप रिजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस हमें एक्सीडेंटल टच देखने को मिलता है, इसमें आप ये तो ऑन कर ही देना, ये तो मतलब कोई फायदा नहीं है, ये ऑन ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर देना, और ये वाला आप अपने यूजर्स के हिसाब से देख लेना। इसके अलावा गाइस एंड में हमें गेम पिक्चर इन पिक्चर मोड देखने को मिलता है, PIP देखने को मिलता है, ये आपका सिंपली ऑफ होगा, इसको भी आप ऑन कर देना और इसको भी ऑन कर देना, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर आपको कोई गेम ऐड करना हो, गेम ऑलरेडी ऐड ना हुआ हो, तो सिंपली आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और सिंपली ऐसे गेम को ऐड कर लेना है। यहाँ पे मेरे फोन में दो ही गेम है, दोनों को मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। सो गाइस ये जो गेम टर्बो मोड है इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको ये जो एजेस है उससे कुछ इस टाइप से करना है, ये आप देख सकते हो इस टाइप से। यहाँ पे मैं आपको एक एक सेटिंग बता देता हूँ फिर से। ये है बैकग्राउंड कॉल, अगर आप इसे ऑफ रखोगे तो बैकग्राउंड कॉल डिसेबल हो जाएगा, ऑन करोगे तो बैकग्राउंड कॉल इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे एक बार ऑफ कर देते हैं। उसके बाद में म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, बंद कर देते हैं साउंड। यहाँ पे हमें म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आपको नोटिफिकेशंस को म्यूट करना है गेम के टाइम तो सिंपली आप इसे ऑन कर देना। मैं इसे ऑन छोड़ूंगा क्योंकि मेरे को मतलब नोटिफिकेशन नहीं पसंद है गेम के टाइम। यहाँ पे रिजेक्ट कॉल का ऑप्शन है, रिजेक्ट कॉल की सेटिंग्स में जाके आपको कॉन्टैक्ट्स ऐड करने याद रखना, अगर आपको ये इनेबल करना है तो मतलब ऑल को डिनाय करना है या कुछ एक फेवरेट्स को डिनाय करना है या कुछ कॉन्टैक्ट्स को डिनाय करना, वो सारे ऑप्शंस मैंने आपको सेटिंग्स में बताए थे, वो कर लेना। उसके बाद में ये भी सही से प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा। उसके बाद 4D गेम वाइब्रेशन, मतलब ये ऑफ होगा, इसे सिंपली ऑन कर लेना।
मतलब ये 4D गेम वाइब्रेशन है, जब आप गेम खेलोगे तो 4D का वाइब्रेशन देगा फ़ोन। मतलब अगर आप चल रहे हो, गन फायर कर रहे हो या फिर मतलब स्नाइपर का फायर कर रहे हो, तो प्रॉपर एकदम 4D वाइब्रेशन देगा ये डिवाइस आपको। इसके जो हैप्टिक फीडबैक है वो काफ़ी तगड़ा है, हैप्टिक मोटर और वाइब्रेशन मोटर वो बहुत तगड़ी वाली है, तो इसमें 4D वाइब्रेशन देखने को मिलता है हमें। इसके बाद में आगे चलते हैं ई स्पोर्ट्स मोड मैंने आपको बताया था क्या काम करता है। ये आपके डिस्टेंस को कम कर देता है, स्क्रीन का जो डिस्प्ले है उसको ऑप्टिमाइज कर देता है, फ्रेम रेट्स को ऑप्टिमाइज कर देता है और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। तो ये सारी चीज़ें ई स्पोर्ट्स मोड में मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा करना हो तो स्पोर्ट्स मोड को इनेबल कर देना। उसके बाद में आगे चलते हैं, वॉइस चेंजर मिलता है हमें यहाँ पे। वॉइस चेंजर में आपको कुछ इस टाइप की वॉइस देखने मिलती है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कमांडर है, उसके बाद में वॉर की है, काउबॉय की है एंड चाइल्ड की है। चाइल्ड वाली यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा ओरिजिनल साउंड है और यहाँ पे रिकॉर्ड करके आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू वगैरह मेरे को तो नहीं करना है, लेकिन आप कुछ इस टाइप से वॉइस को चेंज कर सकते हो। सिंपली वॉइस चेंजर में जाके आपको एक सेलेक्ट कर देना है और डन कर देना है, वॉइस चेंजर ऑन हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसके नेक्स्ट हमें मिलता है गेम डिस्प्ले इन्हेंसमेंट। अगर आप इसको ऑन करोगे तो जो डिस्प्ले वो इन्हेंस हो जाएगा कुछ इस टाइप से, ये आप देख सकते हो। मतलब आई होप आपको प्रॉपर मतलब दिख रहा होगा, मेरे को मेरी आंखों से एकदम पूरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देखो मतलब थोड़ा बहुत इन्हेंस हो रहा है, कैमरे में आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर आप मतलब मेरी आंखों से मेरे को आराम से मतलब डिफरेंस दिख रहा है। तो इसे ऑन करोगे तो थोड़ा डिस्प्ले इन्हेंस हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग्स है, यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन एड्रेनो GPU दिया हुआ है इसका। यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बैलेंस्ड, हाई, लो और कस्टम। कस्टम मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, कस्टम में आपको थोड़ा बहुत मतलब जानना जरूरी है डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पे आप लो यूज़ कर सकते हो, हाई यूज़ कर सकते हो, बैलेंस यूज़ कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा बैलेंस या हाई में से कोई भी यूज़ कर लेना, लो वाला इतना बेटर नहीं है, मैंने चेक किया है। यहाँ पे मैं नॉर्मली बैलेंस यूज़ करता हूँ, आप भी बैलेंस्ड यूज़ कर लेना। उसके बाद में और आगे चलते हैं, यहाँ पे लॉक ब्राइटनेस है, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस को लॉक कर सकते हो। उसके बाद में जो आपकी ब्राइटनेस है वो मतलब इस तरफ से कम ज़्यादा हो जाएगी, ऑटो ब्राइटनेस में कम ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप लॉक भी कर सकते हो ब्राइटनेस को। उसके बाद में आगे चलते हैं, ये है ऑटो प्ले विद स्क्रीन ऑफ। ये मैंने आपको बताया था कि गेम में बताऊंगा, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो गेम खेलते खेलते तो आप इसे ऑन कर देना, आपका ये जो गेम है वो बंद हो जाएगा कुछ ऐसे का ऐसे। मतलब गेम चलता रहेगा लेकिन स्क्रीन बंद हो जाएगी, और जैसे ही आपको गेम शुरू करना हो तो आपको कुछ इस तरह से स्लाइड करना है, आपका गेम चल जाएगा। और यहाँ पे हमें स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो ये थे आईक्यू मतलब आईक्यू डिवाइस के गेमिंग फीचर। इसके अलावा जैसे आईक्यू वाले डिवाइस में हमें रियल टाइम FPS मीटर नहीं देखने को मिलता है, CPU यूजेस वाले ऑप्शन भी नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन काफ़ी अलग और यूनिक हिडन फीचर्स देखने को मिलते हैं जो काफ़ी डिवाइस में नहीं मिलते हैं, पोको में नहीं मिलते हैं, शाओमी में नहीं मिलते हैं, रियलमी में नहीं मिलते हैं। थोड़े थोड़े सबके सेम से थे, लेकिन आईक्यू में मेरे को थोड़ा बेटर लगा एक्सपीरियंस गेम मोड का, गेम टर्बो मोड का, तो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी फीचर्स आपको नहीं पता होंगे, ऑटो कॉल रिजेक्ट वाला है, स्क्रीन प्ले वाला है, मुझे पता नहीं पता होंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी क्वालिटी टेक वीडियोस आती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे इंस्टा ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। और आईक्यू 7 की अगर कोई और वीडियो देखनी हो, आईक्यू 7 या आईक्यू G3 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चेकआउट कर लेना, काफ़ी सारे वीडियोज़ दोनों डिवाइस पर बने हुए हैं। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।